बाजार का दृश्य, मात्रक और विमय। लोग तरह तरह के सामान खरीद रहे हैं। कुछ लोग एक ओर खड़े बातें कर रहे हैं, 50 ग्राम धनिया देना, 200 ग्राम मिर्च, मेरा घर तो 5 किलोमीटर दूर है, जाने में 20 मिनट लग जाएंगे। कितना धनिया चाहिए? 50 ग्राम। यदि एक निश्चित द्रव्यमान को हम 1 ग्राम कहते हैं, द्रव्यमान मास 1 ग्राम कहते हैं, और उसका 50 गुना हो तो उसे हम 50 ग्राम कहते हैं। घर कितना दूर है? 5 किलोमीटर। एक निश्चित दूरी को हम 1 किलोमीटर कहते हैं, और उसका 5 गुना हो तो हम उस दूरी को 5 किलोमीटर कहते हैं। कितना समय लगेगा? 20 मिनट। एक खास समय की अवधि को 1 मिनट कहते हैं, और उसका 20 गुना हो तो उतने समय को 20 मिनट कहते हैं। 50 ग्राम में ग्राम को मात्रक कहते हैं। यह बताता है कि कितने द्रव्यमान को हम एक कह रहे हैं, जिसके 50 गुने की बात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार 5 किलोमीटर में किलोमीटर मात्रक है, यूनिट, और 20 मिनट में मिनट मात्रक है। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, किलोमीटर दूरी का, और मिनट समय का। एक ही राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी दूरी के मात्रक हैं। ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन आदि द्रव्यमान के मात्रक हैं। सेकंड, मिनट, घंटा आदि समय के मात्रक हैं। मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियां। किसी कमरे के फर्श की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। इस फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 180 वर्ग फीट। लंबाई एक राशि है और क्षेत्रफल दूसरी। यदि हम लंबाई का मात्रक जानते हैं तो उसी से क्षेत्रफल का मात्रक बना सकते हैं। हम कहते हैं कि क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर करता है। इसी तरह यदि हम लंबाई और समय के मात्रक जानते हैं तो वेग का मात्रक बना सकते हैं। यदि लंबाई किलोमीटर में है और समय घंटा में मापा जाए तो वेग का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा बनाया जा सकता है। अतः वेग का मात्रक निर्भर करता है लंबाई और समय के मात्रक पर। भौतिकी में हम सैकड़ों प्रकार की राशियों की बात करते हैं, पर इनमें सिर्फ 7 ही स्वतंत्र हैं, बाकी सभी इन्हीं 7 राशियों पर निर्भर करते हैं। इन 7 राशियों को मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जबकि बाकी को व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इन 7 राशियों का चुनाव कई प्रकार से किया जा सकता है। यदि हम वेग और समय को मूल राशि कहें तो लंबाई बराबर वेग गुणा समय उन पर निर्भर करेगी। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति, ब्यूरो इंटरनेशनल डेस पोएस्ट पर्ट्स एट मेजर्स BIPM ने 1971 में अपनी बैठक में मात्रकों के बारे में एक पद्धति का सुझाव दिया, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या संक्षिप्त में SI पद्धति कहते हैं। अधिकतर वैज्ञानिक कार्य इसी पद्धति में किए जाते हैं। SI मात्रक। ऐसे ही पद्धति में जिन 7 राशियों को मूल राशियों माना गया है वे सारणी में लिखी गई हैं। राशियों के साथ ही उनके मात्रक तथा उन मात्रकों को लिखने के संक्षिप्त रूप भी सारणी में दिए गए हैं टेबल में। राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, आनुपातिक पदार्थ की मात्रा, दीप्ति, तीव्रता, ल्यूमिनस, तीव्रता। राशि का संकेत क्वांटिटी LMT, L लंबाई, M द्रव्यमान, समय, T विद्युत धारा, I ताप, K आनुपातिक पदार्थ की मात्रा, मोल, दीप्ति तीव्रता, CD, L मीटर, M किलोग्राम, T सेकंड, I एम्पियर, K केल्विन, मोल, मोल, सिटी, कैंडला। मात्रक का संकेत M मीटर, स्मॉल m किलोग्राम, kg सेकंड, S एम्पियर, A k मोल, सिटी। थैंक यू, धन्यवाद।